नमस्ते गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखते हैं इलास्टिक सर्च के और दो अनमोल प्रॉपर्टीज, स्केलेबिलिटी और हाई अवेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी का अर्थ क्या है? मान लो आज आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया और थोड़े स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, स्पेसिफिक कंप्यूटेशनल पावर, स्पेसिफिक डीबी की कैपेसिटी के साथ, और भगवान की कृपा से कल आपका एप्लीकेशन ग्रो हो के मिलियंस, थाउजेंड, करोड्स ऑफ यूजर्स को चला जाता है। तो जैसा इतने लोगों का लोड आएगा, आपका जो पहले एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है पहले के कॉन्फ़िगरेशन के साथ, वो इतना लोड सपोर्ट नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो आपको भी जैसा आपका एप्लीकेशन ग्रो होगा, वैसे ही आपका एप्लीकेशन का कॉम्प्यूटेशनल पावर, डेटाबेस कैपेसिटी वगैरह सब स्केल करना है, इंक्रीज करना है उसका कैपेसिटी। करेक्ट। तो इसको ही बोलते हैं स्केलेबिलिटी, और इलास्टिक सर्च हमारा इसमें प्रो है, ऐसे ही ये बोलते हैं। तो गूगल दीदी ने ये डेफिनेशन दिया हुआ है, इलास्टिक सर्च इज हॉरिजॉन्टली स्केलेबल, मीनिंग दैट यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर कस्टमर बाय एडिंग मोर नोड्स। तो ठीक है, चलो एक उदाहरण से देख लेते हैं। मान लो हमारा एक इंडेक्स है, कलेक्शन, यूज़र इंडेक्स, जिसका कैपेसिटी 100 GB है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये इस शार्ड में इंडेक्स करेगा डेटा 100 GB, इसकी कैपेसिटी शार्ड की 100 GB है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेगा। मान लो कल और यूज़र्स आ गए, अभी हमको हो गई दिक्कत। वो बोलेगा बहुत जागा है, हम बोल रहे बहुत जागा नहीं है, दिक्कत वाली बात होगी ना। लेकिन इलास्टिक सर्च में कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, और एक शार्ट क्रिएट करेंगे। सॉरी, नोड का कैपेसिटी तो 200 GB है, बाकी खाली 100 GB पड़ा था, उसमें और एक शार्ट क्रिएट कर देते। विल नेम दिस एज शार्ट टू। हो गई दिक्कत खत्म। अगर मान लो जब न्यू यूजर्स आते हैं, तभी हमारा डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स साइज 200 GB हो गया, तो फिर बचा हुआ 100 GB इसमें स्टोर करते अपन। ठीक है, लेकिन अभी कल और यूजर्स है, ये एक और दिक्कत हो गई ब्रो, क्योंकि हमारा नोड का कैपेसिटी तो 200 GB है और हमने दो शार्ट भी क्रिएट किए हुए 100 100 GB के, अभी और एक शार्ट क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो क्या करें? कोई इलास्टिक सर्च के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यू कैन स्केल द कैपेसिटी बाय ऑफ योर क्लस्टर बाय एडिंग मोर नोड्स भी बोल रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और एक नोड ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और इसमें और एक शार्ट ऐड कर देते हैं। शार्ट 3, अभी इसका कैपेसिटी 300 हुआ रहेगा, तो ये क्या करेगा, बाकी का और 100 GB इसमें डालेगा। प्रॉब्लम सॉल्व, ऑल सेट। तो ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे सेकेंड अनमोल कैरेक्टर ऑफ इलास्टिक सर्च। ये क्या है भाई? इलास्टिक सर्च हैज हाई अवेबिलिटी। अवेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेगा? रेप्लिका। अ रेप्लिका शार्ड इज अ कॉपी ऑफ प्राइमरी शार्ड। तो गूगल दीदी बोल रही है कि रेप्लिका शार्ड इज अ कॉपी ऑफ प्राइमरी शार्ड। रेप्लिका प्रोवाइड्स, ये तुम गूगल में जाके देख सकते हो। इट इंक्रीजेस कैपेसिटी टू सर्व रीड रिक्वेस्ट लाइक सर्चिंग और रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमारा पहला ये एग्जाम्पल ले लो, यूजर इंडेक्स है 200 GB का, 100 GB शार्ट 1 में स्टोर कर रहा है, 100 GB शार्ट 2 में स्टोर कर रहा है। तो ठीक है, अभी ये मैराथन भाग रहा है, भागते भागते ये थक जाता है और ये बोल रहा है कि इसको अभी चक्कर आ रहा है, तो क्या होगा ब्रो? ये तो होगा डाउन, ये डाउन चला जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, जब यूजर रिक्वेस्ट डालेगा, यूजर क्लस्टर को इंडेक्स भेज रहा है रिक्वेस्ट, तो ये सर्व नहीं होगा। करेक्ट, ये तो डाउन है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो दिक्कत वाली बात होगी यूजर्स के लिए।
लेकिन इलास्टिक सर्च इसे चुटकी में सॉल्व करेगा ये कैसे, लेकिन हमको एक सेटिंग ऑन करना है, वो जो है रेप्लिका की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रेप्लिका लेंगे, एक नोड क्रिएट करेंगे, रेप्लिका नोड, जिसके अंदर हम शार्ड वन और शार्ड टू को रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये रेप्लिका क्या करता है, जो भी डेटा शार्ड वन के अंदर प्रेजेंट है वो खुद के अंदर रेप्लिक कॉपी कर देगा, और ये वाला शार्ड टू का जो शार्ड टू के अंदर प्रेजेंट है कॉपी कर लेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जब कभी भी यूजर ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो जो जो नोड डाउन है उसको भेजने के बजाय हम इसको भेजेंगे। ठीक है, हो गया ना ब्रो, वो प्रॉब्लम सॉल्व, डन।